Yo, it's boy Rufy. Back with another cringy ass juicy video. ऐसे इंट्रो में दोबारा नहीं कर रहा, बट हु केयर्स भाई, बगी एम्परर बन चुका है भाई साहब। यार क्या क्या हो रखा है यार, मैं इतने दिन तक गायब हो गया, पूरा कांड हो रखा है वन पीस में। एक महीने तक चैप्टर नहीं आ रहा, ओडा भाई फुल मजे में। और यार सबसे पहले तो ये ग्रीन बुल वानो में क्या कर रहा है, मतलब हाँ सबको डाउट है कि इसके पावर्स क्या है और ये कैसे अब लोग इसको हैंडल करने वाले हैं। पर मैं सबसे ज्यादा हैरान हो गया कि भाई ये पौधे वाला छाता से उड़कर वानो आया क्या सही में। सही है भाई, की जरूर तुम्हारा तोप के गोले पर आता है और आउकी जी समुंदर पे साइकिल चलाते हुए आता है। आका इनू किस तरह आता है, वो तो भाई पूरा सिप कहीं उठा के लेके आता है। नॉट कूल साकाजुकी यार, थोड़ा स्टाइलिश एंट्री मारो यार, सीखो इनसे। बट एनीवे, ग्रीन बुल को शायद ये रियलाइज नहीं हुआ है कि वो वानो की हेल्प कर रहा है। मतलब काइडो ने वहां का जमीन वैसे ही बर्बाद कर रखा था, और जब ग्रीन बुल चल रहा है तो उसके पीछे पेड़ पौधा उग रहा है, तो वो एक्चुअली वहां के लोगों की हेल्प कर रहा है। पर यहाँ आने से पहले वो काइडो के वही घिसे पिटे लोगों से मिलता है, और यहाँ पर तुम देख सकते हो कि किंग और क्वीन दोनों की हालत खराब है अभी तक। मतलब यार फाइट को गुजरे हुए मेरे ख्याल से 7 दिन तो हो चुके हैं और ये लोग अभी तक रिकवर नहीं हुए। और वो और इनकी वाट लगा देता है भाई, क्यों यार क्या जरूरत थी। और तुम यहाँ देखो तो वो अपना स्वॉर्ड भी यूज नहीं करता, मतलब वो अपने बस डेविल फ्रूट पावर से ही उनकी वाट लगा देता है। और शायद ग्रीन बुल का जो स्वॉर्ड है वो एक ब्लैक ब्लेड है, तो मतलब वो हाकी में भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ग्रीन बुल ऑलरेडी मार खाए लोगों को टॉन्ट देता है और फिर वो वहां से चला जाता है। अब शायद मतलब पक्का नहीं है, वो 2080 समझ लो कि काइडो वापस आ सकता है। हाँ पर क्यों, किस लिए? तो यार देखो, वो लूफी से लड़ने के लिए नहीं आएगा, मतलब वो अपने क्रू मेट्स के पास वापस आ जाएगा अगर वो उसको ढूंढ लिए तो, क्योंकि काइडो मारा तो नहीं है ऑब्वियसली। तो वो जब वापस आएगा और उसको पता चलेगा कि मार खाने के बाद ग्रीन बुल ने और उसे मतलब उसके क्रूमेट्स को मारा है, तो वो गुस्से में आकर फाइट करेगा। क्योंकि जब जैक मार खा रहा था नेकोमा मूसी और उसका डॉगी दोस्त से, जिसके बाद काइडो गुस्से में क्या करता है तुम्हें तो पता ही है। लेकिन अगर बाय चांस काइडो वापस आता है, मतलब मैं इस थ्योरी पर पूरी तरह बेट नहीं लगाने वाला, मैंने कहा 2080, तो अगर काइडो बाय चांस वापस आता है तो वो उस तरीके का आदमी तो नहीं है। मतलब वो ऐसा आदमी है जो कि अपने डिफीट को एक्सेप्ट करता है, तो वो ये कहेगा कि ट्रोहैट मैं तुमसे बाद में निपट लूंगा, पर पहले मुझे अपने क्रूमेट्स का बदला लेना है। क्योंकि अगर देखा जाए तो काइडो का ड्रीम पूरा नहीं हुआ है। तो क्या लगता है तुम्हें कि क्या ऐसा हो सकता है, तो यार कमेंट्स करके बताओ। और अब बात करते हैं बागी के बारे में। यार ये तो सबसे लेटेस्ट न्यूज है, मानो या ना मानो बगी का एम्परर बनना बेनिफिशियल तो है। मतलब इट्स लाइक बगी और सैंक्स अब सेम पोजीशन पे हैं, और सैंक्स ने भी तो कहा था कि वो अपने दम पर लाफ्टेल जाएगा। इमेजिन बगी और सैंक्स वर्सेस ब्लैक बियर्ड राउंड 2। मतलब बगी एम्परर बना तो बना कैसे, तो इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा हूँ, पर चलो क्यों नहीं। तो एम्परर बनने के लिए क्या चाहिए, फेम, पावर और तुम कितने आइलैंड्स को ओन करते हो। अब जरा देखते हैं बगी के पास क्या है। तो वो फेम तो ऑलरेडी ओन करता है क्योंकि वो रॉजर पायरेट्स का मेंबर हुआ करता था, और अगर देखा जाए तो वो वार ऑफ द बेस्ट में जब वार को टेलीकास्ट किया जा रहा था तो उस वक्त बगी अपना थोपड़ा दिखा रहा था। मतलब वो लोगों को याद तो हो गई, और वो सांग्स को धमकी भी देकर आया है, और ये कोई छोटी बात तो नहीं है। और रही बात आइलैंड की, तो वो एक आइलैंड में कब्जा कर तो बैठा हुआ है। अब बात करते हैं पावर के बारे में। तो पावर के मामले में पर देखा जाए तो ये चीज तो तुम्हें पता है, मुझे पता है, पर ये बात वर्ल्ड गवर्नमेंट को थोड़ी पता है। उन्हें तो बस एक ही चीज दिख रहा है, अच्छा रॉजर पायरेट्स का मेंबर है, लगाओ बाउंड। और हाँ, बगी पायरेट्स के ऊपर जो अटैक हुआ था जहाँ पे वो लोग पार्टी वगैरह कर रहे थे, जहाँ पे मरीन्स आकर उनके ऊपर हमला कर देती है, तो शायद वो अटैक बगी जीत गया। मतलब वहां पे बगी उसको झेल भी लिया और जीत भी गया सिर्फ उसके आर्मी की वजह से। अब मैं कैप्टन जॉन के ट्रेजर के बारे में बात नहीं करने वाला, लेकिन इसके बारे में बात करते हैं कि क्या बगी ये डिजर्व करता है। तो देखो, उसने मेहनत तो की है, पर एक एम्परर बनना बहुत ही बड़ा टास्क होता है और उसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत चाहिए, जो कि मुझे नहीं लगता कि बगी ने किया है, वह उसे बहुत आसानी से मिल गया। मगर जैसा कि मैंने पहले कहा, बगी का एम्परर बनना बेनिफिशियल है आगे की स्टोरी के लिए। अब आगे बढ़ते हैं एक छोटा सा सिंपल सा थ्योरी के साथ, मोमोनोस्के प्लूटोन है क्या?
पर कैसे? रुक जाओ, बताता हूँ। चैप्टर 1053 में एक चीज तो कंफर्म हो गई कि 1000 सनी प्लूटो नहीं है। और अगर देखा जाए तो ये चीज बहुत ऑब्वियस भी है, क्योंकि ओडा सेंस इतने प्रेडिक्टेबल नहीं है। बाकी 1053 आने के पहले मुझे तो लग रहा था कि यार जुनिसा प्लूटो है, रीजन बीइंग वो प्लूटो होने का सारा क्राइटेरिया को फिल करता है। लाइक वो उतना स्ट्रांग है कि एक आइलैंड तो आराम से डिस्ट्रॉय कर सकता है, और लोगों को अपने पीठ पर कैरी भी करता है, और ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प भी करता है। लाइक अ शिप, वो पूरे सी में कहीं भी जा सकता है। वो वॉइड सेंचुरी से है, वो जॉय बॉय को जानता है। मतलब यार तुम्हें और क्या चाहिए, एक प्लूटोन होने के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन फिर वही बात आ गई, जैसा कि रॉबिन मैडम ने कहा था कि प्लूटोन वानो में है और जुनिसा वानो में नहीं है, बल्कि वो वानो में रहता ही नहीं है। अच्छा, तो मोमोनोसुके प्लूटोन कैसे हुआ? उसके ऊपर कोई बैठ थोड़ी सकता है, मतलब वो कोई शिप थोड़ी है जिसके ऊपर बैठा जाए। हाँ, पर वो जुनिसा का कंट्रोलर तो हो सकता है, मतलब एक रिमोट की तरह। देखो ऐसे समझो, सिरहोसी एके पोसाइडन, वो कोई वेपन थोड़ी है। मतलब वो वेपन है पर वो वेपन नहीं है, मतलब सिरहोसी स्ट्रांग नहीं है, मगर वो एक रिमोट कंट्रोलर की तरह है जिसपे सीकिंग सो कंट्रोल करने की पावर है। ऑन दी अदर हैंड मोमोनोसुके के पावर्स एग्जैक्टली सेम है, मतलब काफी ज्यादा सिमिलर तो है। जैसे जुनिसा को वो कंट्रोल कर सकता है, मतलब जुनिसा उसकी बात तो मानता है। नहीं बेरूफी, इस बार तो दिया। अच्छा, बगी भी तो एम्परर बन गया, किसी ने सोचा था ये? और अब ना चाहते हुए भी मोमोनोसुके एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर बन चुका है, तो स्टोरी में जोड़े रखने के लिए ये एक काफी अच्छा पॉइंट हो सकता है। लेकिन इस थ्योरी में काफी फ्लॉज भी हैं। लाइक अगर वानो में प्लूटोन था तो मोमोनोसुके वानो में थोड़ी था, वो तो एक पायरेट शिप में पैदा हुआ था, मतलब रॉजर के शिप में यार। और हाँ, उसके बाद भी वो काफी टाइम के लिए वानो से बाहर गया हुआ था। लेकिन फिर यहाँ पे सिचुएशन भी आ जाता है, अगर काइडो डेरा डालकर नहीं बैठता वानो में तो मोमोनोसुके ओरिजिनली वानो में ही रहता। या फिर यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि रॉबिन मैडम अभी करंट सिचुएशन के बारे में वो बात कर रही है। और दूसरा चीज ये आता है कि फ्रैंकी के पास ब्लूप्रिंट्स आया कहाँ से अगर प्लूटोन एक जिंदा चीज है तो? जिसका आंसर ये हो सकता है कि वो ब्लूप्रिंट नहीं बल्कि एक नॉलेज हो, मतलब एक बुक हो जिसमें नॉलेज लिखा हो कि प्लूटोन के पावर्स क्या हैं। एनीवे, इस थ्योरी को दिल से मत लगा लेना, क्योंकि मैं खुद इस पे उतना बिलीव नहीं करता, और अगर ये थ्योरी सच होती है तो शायद मैं ही सबसे ज्यादा खुश होऊंगा। खैर, बात करते हैं क्रोकोडाइल के बारे में, क्योंकि यार सबसे ज्यादा बुरा उसके साथ ही हुआ है यहाँ पर, क्योंकि वो इतने सालों तक एलाबास्टा पे कब्जा करके बैठा हुआ था, और खासकर उसका मकसद था प्लूटोन को हासिल करना, पर प्लूटोन निकलता है वानो में, तो बेचारा क्रोकोडाइल। रुको, अगर बाई चांस मोमोनोसुके प्लूटो निकलता है तो ऐसा हो सकता है कि यूरेनस भी एक लिविंग एंटिटी हो, यानी कि तीनों एंशिएंट वेपन एक जिंदा चीज हो, एंड मोस्ट लाइकली वो स्काई से रिलेटेड हो, क्योंकि पोसाइडन सी से रिलेटेड है, प्लूटोन लैंड से और यूरेनस स्काई से। तुम्हें क्या लगता है, मोमोनोसुके प्लूटोन है? जो भी हो, 1052 में जो हुआ ना उसके साथ, कसम से बाय गॉड मजा आ गया। मैंने कहा था कि जब ये सब खत्म होगा तब वो दौड़ता हुआ नामी के पास जाएगा बूबा के लिए, परंतु उसे ये मालूम नहीं था कि जब नामी के पास वो दौड़ता हुआ जाएगा तो नामी उसे खींच कर एक मुक्का मारेगी। कसम से बाय गॉड, ये वाला बेस्ट पैनल है, कितना सेटिस्फाइंग है यार। पीछे सांजी और ब्रुक को देखो। सांजी और ब्रुक तो भाई बहुत गंदा मजाक उड़ा रहे मोमोनोसुके का। हैं जी, मजा आ गया तुम्हें अडल्ट बनने का। खैर, ये सब बातें तो चलती रहेंगी, एंड में मैं बस यही कहना चाहूंगा कि ओडा सेंसे ने जो एक महीने का ब्रेक लिया है ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था उनके लिए, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में मैंने उनका बायोग्राफी पढ़ा है और उसके हिसाब से वो पूरे टाइम अपने वर्क पे ही बिजी रहते हैं। मतलब वो एक वीक का जो ब्रेक भी लेते हैं ना, उसमें भी वो काम ही करते हैं। सबसे पहले तो वो अपने फैमिली से दूर रहते हैं। हाँ, बीच बीच में उनकी वाइफ और उनके बच्चे उनसे मिलने आते हैं, पर वो भी बहुत कम हो पाता है, उनके पास अपनी फैमिली के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। और मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था जहाँ पे कुछ एनिमेटर्स और जो राइटर्स हैं वो लोग क्लेम करते हैं कि उन्हें पता भी नहीं चलता कि उनके बच्चे कब बड़े हो जाते हैं। हम लोग जो ये ऑसम एनिमेशन देखते हैं ना, और जो ये ऑसम स्टोरी पढ़ते हैं, और जब हमें इनके पीछे के लोगों की एक्चुअल मेहनत पता चलती है ना, तब यार दिल से रिस्पेक्ट आता है इन लोगों के लिए। एंड आई होप कि ओडा सेंसे ये वेकेशन एंजॉय करे और कभी बीमार ना पड़े। और यार तुम लोग तो मजे करते ही रहते हो, तो यार मुझे भी मजे दिलाओ ना, लाइक ठोको। और हाँ, कमेंट कर जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी, और उन लोगों को शेयर करना जो कि वन पीस देखते हैं। वैसे कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, बट यू नो रीच चाहिए ना, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में।